સુરત શહેરમાં ડિંડોલી વિસ્તારમાં ખરવાસા પાસે આવેલ વન્ડર પ્રાઇમ સિનેમા ખાતે ગુજરાતી ડાયરેક્ટરોએ બનાવેલી મરાઠી ફિલ્મ વિજય ભવનનું ગ્રાન્ડ પ્રીમિયમ યોજાયું હતું. આ કાર્યક્રમમાં ફિલ્મના ડાયરેક્ટર શૈલેષ પટેલ અને અતુલ સોના સાથે ફિલ્મના મુખ્ય કલાકાર જગદીશ ચૌહાણ અને પૂજા જયસ્વાલ સહિતના કલાકારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ફિલ્મ શૂટિંગ મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના લોકેશન ઉપર કરવામાં આવ્યું છે અને સૌ પરિવાર જોઈ શકાય એવી ફિલ્મ બનાવી હોવાની વિગત ડાયરેક્ટર દ્વારા જણાવવામાં આવી હતી. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, નમસ્કાર. મેં શૈલેષ પટેલ, વિજય ભવ ફિલ્મ કા ડિરેક્ટર, ઓર મેરે સાથે મેરે પાર્ટનર ડિરેક્ટર અતુલ સોનાર, એ ફિલ્મ કે પ્રોડ્યુસર હૈ કિર્તનભાઈ જીવ પટેલ, ઓર હમારી સાથે જગદીશ ચૌહાણ જો ઇન્ડિયન આઇડલ ફર્સ્ટ રનઅપ હૈ, જગદીશ ચૌહાણ જો લીડ રોલ કર રહા હૈ, ઓર હમારે સાથે પૂજા જયસ્વાલ જો ફિલ્મ કી હિરોઇન હૈ, ये सब हमारा आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर डायरेक्टर का इंट्रोडक्शन है. अच्छा, आज गुजरात के सूरत के अंदर हमारा प्रीमियर, फर्स्ट प्रीमियर शो है और कल हमारा थाने में सेकंड प्रीमियर शो है. हमारा पूरा वन मंथ का शेड्यूल था और फिल्म के अंदर बहुत सारे ट्रायंगल है. एक राजकारण के बीच एक खेल है और प्यार है. बहुत सारे महाराष्ट्र, नासिक, पुणे और गुजरात के अंदर शूट हुआ है. दर्शक को बहुत अच्छा मज़ा आएगा क्योंकि बहुत सारी फिल्म अभी आजकल आती है जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं, लेकिन पहली यह फिल्म अभी आई है कि अपने माँ बाप के साथ, बच्चों, फैमिली के साथ देखें. अच्छा, गुड क्वेश्चन है. गुजरात में गुजरात का डायरेक्टर और गुजरात का प्रोड्यूसर जो मराठी फिल्म बनाए, क्योंकि मराठी में कंटेंट बहुत अच्छा चलता है, मराठी के लिए हमको प्यार है, इसलिए मराठी फिल्म हमने बनाई. फिल्म अच्छी चलेगी और आई होप सभी दर्शक देखेंगे. बाद में पता चलेगा, हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो बोलेंगे अच्छी है, लेकिन जब ऑडियंस बोले कि फिल्म पावरफुल है और ये बेटियों के बीच की कहानी है जो वुमन ओरिएंटल फिल्म है, इसलिए आजकल बेटी और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं है, वो मेसेबल फिल्म है हमारी. हमने 5-6 फिल्म बनाई है अब तक, गुजराती, मराठी. अभी 100 सिनेमा ऑल महाराष्ट्र एंड गुजरात में सिनेमा में रिलीज़ होने वाली है. सूरत की जनता को यही बोले कि फर्स्ट टाइम गुजराती प्रोड्यूसर और गुजराती डायरेक्टर ने जो फिल्म बनाई है, मराठी फिल्म, तो एक बार जो मराठी समाज है उनके लिए एक मैसेज है कि सूरत में रिलीज़ हो रही है तो सूरत के सिनेमा घर में जाए और देखे. अभी नेक्स्ट सवाल हम अपने हीरो से भी पूछ सकते हो. नमस्कार, मेरा नाम जगदीश विजय चौहान, मैं इंडियन आइडल मराठी का उपविजेता और ये विजय भव फिल्म का मेन लीड. मूवी आज फर्स्ट प्रीमियर है हमारे मराठी फिल्म का. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं गुजरात में. मेरे को ज़्यादा खुशी है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ लेकिन गुजरात में हमारा फर्स्ट प्रीमियर हो रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है. बहुत अच्छी फिल्म है क्योंकि ये नारी शक्ति पर हमारा फिल्म है. बहुत इसमें प्यार भी है, एक माँ बेटे का, सॉरी, बाप बेटे का इसमें रिश्ता है और बाप बेटी के लिए क्या कर सकते हैं, बेटी बाप के लिए क्या कर सकती है, इसमें फिल्म में दिखाया गया है. मेरा डायलॉग तो वो तो अलग ही है कि वाघ, हाँ चलो मैं अभी याद आया, अरे गाँव असो किंवा शहर, वाघ हा वाघच असतो. हाँ, अगर गाँव रहे या शहर रहे, लेकिन शेर तो शेर ही होता है. क्या आशा रखते हो इस फिल्म से आप? बहुत आशा रखता हूँ क्योंकि बहुत मेहनत की है सबने, बहुत कष्ट किए इसके पीछे और भगवान की कृपा हो जाए, बहुत अच्छी चले, बस यही आशा है. अभी ये मराठी में बोलता हूँ क्योंकि नमस्कार, मी जगदीश चव्हाण. तुम्ही सगळेजण आमची फिल्म बघा, कारण खूप आनंद वाटेल आम्हाला पण, कारण महाराष्ट्राची फिल्म आहे विजयी भाऊ. आम्ही सगळ्यांनी खूप मेहनत केलेली आहे आणि खूप चांगल्या प्रकारे काम केले सगळ्यांनी आणि एक फॅमिली सोबत बघण्यासारखा चित्रपट आहे. सगळ्यांनी बघा, खूप आनंद वाटेल. सबसे पहले तो हाय, हॅलो, नमस्कार. सूरत के जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद. और मेरा नाम है पूजा जायसवाल. हमारी फिल्म आ रही है विजयी भव और मैं इस फिल्म में हीरोइन हूँ. कामिनी सरदेसाई मेरे कैरेक्टर का नाम है. इसके पहले मैंने 5 मराठी फिल्में की है और अभी आपने पूछा तो बता देती हूँ कि फ़र्स्ट टाइम मैंने 5 फिल्में की है, पर फर्स्ट टाइम मैं गुजरात में प्रीमियर करने आई हूँ और शूटिंग भी शायद मैंने फ़र्स्ट टाइम मराठी फिल्म की गुजरात में की है और प्रीमियर भी फ़र्स्ट टाइम ही हो रहा है सूरत में. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए. पिक्चर का आधा हिस्सा महाराष्ट्र में हुआ है, काफ़ी हिस्सा हम लोगों ने धामण इस गांव में शूट किया है और और बहुत मज़ा आया फिल्म शूट करने में. पहली बार मैं गुजराती डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर रही हूँ, तो पहले मुझे लगा था कि अरे मैं, हम लोग का ट्यूनिंग होगा या नहीं, बट एट द एंड डायरेक्टर तो डायरेक्टर होता है, उसका काम होता है आर्टिस्ट से काम निकाल के लेना. तो हमारे दोनों डायरेक्टर बहुत जय वीरू की जोड़ी है, बहुत ही टैलेंटेड है. उन्होंने हम लोगों से एकदम अच्छे से काम करवा के लिया है. और एक्सपीरियंस तो मेरा यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, मैंने बहुत सारा गुजराती खाना खाया है, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे यहाँ पे. मूवी को लेके
मैंने जैसे कहा कि पूरा काफ़ी सारा यूनिट जो हम लोग यहाँ शूट कर रहे थे वो गुजराती था, तो मुझे गुजराती आती है बोलने और समझती भी थोड़ा बहुत, तो इतना मुझे कोई डिफ़िकल्टी हुआ नहीं यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए। और बहुत ही स्वीट लोग हैं, और तभी हम लोग ने जब शूट किया तभी कोविड का थोड़ा ज़्यादा चल रहा था, तो मैं हमारे जो प्रोड्यूसर है केतन सर और उनकी जो वाइफ है, तो मैं उनके घर में रुकी थी। तो अभी मतलब बहुत ही, जैसे जगदीश ने भी आपको बोला कि बहुत ही लविंग है, बहुत ही केयरिंग है, उन्होंने उनके बेटे की रूम मुझे दे दी थी, वो बेचारा दूसरे रूम में रहता था, और एकदम फैमिली जैसे हमको ट्रीट करते थे। अगर मेरा एक्सीडेंट भी हो गया तो मेरे को बेड में खाना आता था, तो मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कश्मीरा भाभी और केतन सर को भी कि उन्होंने बहुत ख्याल रखा हमारा। एक्चुअली इस फिल्म में मेरे जो पिताजी का रोल कर रहे हैं विनायक केतकर सर, तो वो मेरे पिताजी का रोल कर रहे हैं, और काफ़ी टाइम जब हम लोग एक्टिंग करते हैं तो अगर मेरा डायलॉग, मेरा सीन नहीं है तो मैं मेरा डायलॉग नहीं बोलूंगी, आर्टिस्ट लोग जाके बैठ जाते हैं। GDC न्यूज़ साथी सुनील गांजावाला।